आज हम दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही आता है। एक का नाम है फर्मेट थ्योरम और दूसरा है विल्सन थ्योरम। तो फर्मेट थ्योरम क्या है? तो फर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर को अगर पी से डिवाइड करना है और इस नंबर के ऊपर पावर अगर पी माइनस वन है, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम पावर है, साथ के साथ यहाँ पर देखना है कि जो पी होगा एक प्राइम नंबर होगा, पी इज ए प्राइम नंबर, और ये जो n होगा, p and n बोथ आर को प्राइम नंबर। फिर से समझिए, अगर कोई नंबर है और इसको p से डिवाइड करना है और इस नंबर के ऊपर जो पावर है वो जिससे डिवाइड करना है उससे एक कम है, साथ के साथ p जो होना चाहिए एक प्राइम नंबर होना चाहिए और p और n इन दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका रिमाइंडर निकालना है तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो प्लस का वन आता है। मतलब अगर कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है और इसके ऊपर एक कम पावर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं और p एक प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम नंबर है तो हमेशा इस पोजिशन में जो आंसर होता है रिमाइंडर वो प्लस वन होता है। अब अगर प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है इसको आप नहीं जानते हैं तो नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में हम हर प्रकार के नंबर के बारे में बात किए, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लें। ऐसे हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं जो प्राइम नंबर होता है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो या तो एक से डिवाइड होगा नहीं तो अपने आप से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में आप 17 को लें, 17, तो 17 या तो एक से कटेगा नहीं तो फिर 17 से ही कटेगा, बीच के किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर दो नंबर का ऐसा पेयर होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे अगर हम ले लें 7 और 8 को ले लें, तो देखिए ये दोनों ऐसा पेयर है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है को प्राइम नंबर का एक पेयर है। अगर हम ले लें जैसे 8 को ले लें और 10 को ले लें, तो ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन है। ठीक है, इसमें देखिए 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, तो यहां 2 कॉमन हो जा रहा है तो ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर का मतलब ऐसा दो नंबर होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और यहां पर जो पावर है वो इससे एक कम है, तो इस फॉर्मेट में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा प्लस वन होता है। इसको आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, आपका 5 to the power 22 को 23 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप यहां पर देख सकते हैं जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे ये एक प्राइम नंबर है, 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा और इसके ऊपर जो पावर है वो इससे एक कम है। आप यहां देख सकते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं एक कम पावर रहेगा। ठीक है, और ये दोनों जो नंबर होगा इसको को प्राइम नंबर का पेयर रहना चाहिए, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5 और 23 में कोई कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो इसका डायरेक्ट क्या रिमाइंडर आ जाएगा? प्लस का वन आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन 9 to the power 46 और इसको डिवाइड करना रहे 47 से, तब रिमाइंडर क्या होगा? तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये फर्मेट थ्योरम पर सीधा दिख रहा है। यहां नीचे एक प्राइम नंबर है और जो इसके ऊपर पावर है वो इससे एक कम है, और यहां देख सकते हैं ये दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक को प्राइम नंबर का पेयर है। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख जाए तो सीधा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? प्लस का वन। अब यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा कि क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करने का प्रयास करेगा। जैसे आप यहां पर सीधा देख रहे हैं कि यहां पर जो नंबर है उसे एक कम यहां पर लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा ऐसा नहीं दिखाने वाला है कि ये दोनों का डिफरेंट वन का है, वो कुछ अलग तरीके से चेंज करके लिखेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप उसको एक के डिफरेंट में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि आपको अगर बोला जाए कि 2 to the power 104 को 53 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां 53 है, तो अगर यहां 52 रहता तब फॉर्मेट थ्योरम पर होता, लेकिन यहां पर तो 104 है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहां पर जो 53 है अगर आप यहां 52 कर पाए तब आपका काम बन सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 52 का यहां डबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये करें कि यहां से 2 निकाल करके इसको दे दें, तो आप इसको ऐसे अगर लिख दें 2 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हुआ, तो अब जो होगा इसके ऊपर पावर आप लिख सकते हैं 52। ठीक है, क्योंकि इससे 2 निकाल करके इसको दे दिए, पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है तो ये दोनों गुना करने के बाद वापस ये आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 के ऊपर आएगा 52 पावर और यहां पर आपको 53 से डिवाइड करना है। अब ये देखिए फॉर्मेट थ्योरम पर आ गया, नीचे आपका प्राइम नंबर है, यहां पर जो पावर है वो इससे कम है और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब अगर यहां पर पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करता है। एक और एग्जांपल है, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 2 to the power
106 को अगर 53 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या सोचना है कि आपको अगर 53 से डिवाइड करना है तो इसके ऊपर पावर लेके आना है 52, इससे एक कम, तभी आपका ये क्वेश्चन फॉर्मेट थ्योरम पर आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप अगर 2 to the power अगर आप 52 करते हैं इससे एक कम, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, यहां पर 2 जो है 106 बार है, आप यहां 52 बार लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ अगर फिर से हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 52 into 2 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, लेकिन है यहाँ 106, मैंने 2 अभी भी बचा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 बार 2 को अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये सभी मिला करके 106 हो जाएगा, 52 को 2 में गुना करेंगे 104 और यहाँ पर 2, 1 से 6 गुना में पावर जो है जुट जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमें 53 से डिवाइड करना है, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये वाला नंबर फॉर्मेट थ्योरम में हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो ये प्राइम नंबर है और यहां इससे एक कम पावर है और 2 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है फॉर्मेट थ्योरम पर हो गया। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और इस पर 2 पावर है तो यहां पर 2 पावर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को अगर 53 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 into 4, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए 5 to the power 91 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर 5 to the power 91 को 31 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेट थ्योरम पर अगर लाना है तो इस पावर को आपको इससे एक कम करना है, मतलब 30 करना है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 5 का पावर अगर 30 ले लिए, ठीक है, तो अगर 5 का पावर आप 30 ले लिए तो यहां पर आपको 90 लाना है, तो अगर यहां पर इसके ऊपर और 3 पावर ले लें तो ये आपका 90 हो गया, तो अभी भी एक कम है, तो क्या करेंगे, एक बार 5 को अलग से लिख देंगे, 5 का पावर 1, तो अब ये देखिए 91 हो जाएगा, ये आपका यहां 90 होगा और ये 1, तो 90 और 1 91, गुना में पावर जुटता है। अब इसको आपको 31 से डिवाइड करना है तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज देखिए आपका फॉर्मेट थ्योरम में आ गया, चूंकि 31 प्राइम नंबर है और इससे एक कम पावर यहां पर है, ठीक है, और 5 और 31 में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट फॉर्मेट थ्योरम में हो गया। और जब इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और इसके ऊपर पावर है 3, और फिर 5 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा, तो 1 का 3 पावर 1 होगा और ये 5, तो इसका जो आंसर होगा फाइनल वो क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब अगर 5 to the power 91 को 31 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो 5 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम क्या है और उससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं एक और थ्योरम के बारे में जिसका नाम है विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम आपको कहता है अगर n-1 factorial को अगर n से डिवाइड करना है, जहां n जो है प्राइम नंबर होगा, n इज ए प्राइम नंबर, तो अगर n-1 factorial को n से डिवाइड करना हो जहां n एक प्राइम नंबर होगा, तब इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आता है वो n-1 ही आता है, ठीक है। ये कहता है विल्सन थ्योरम। इसको आप एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, अगर 6 factorial को 7 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका विल्सन थ्योरम पर है, यहां क्या बोले n जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं नीचे एक प्राइम नंबर है और यहां पर जो नंबर है वो इससे एक कम होना चाहिए n-1, तो आप देख सकते हैं ये जो है इससे एक कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है विल्सन थ्योरम पर है। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट में रिमाइंडर निकालना है तो सीधा जो आंसर होता है वो क्या होता है n-1, मतलब यहां पर जो नंबर है वही आंसर हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर n कोई प्राइम नंबर है और इससे फैक्टोरियल n-1 को डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो n-1 ही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बोला जाए कि 28 फैक्टोरियल को अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां भी देख सकते हैं कि ये 29 प्राइम नंबर है और यहां पर देख सकते हैं कि इससे एक कम है, ठीक है। तो अगर 28 फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करेंगे तो ये सीधा दिख रहा है कि विल्सन थ्योरम पर है, और विल्सन थ्योरम कहता है कि इस पोजीशन में जो आंसर होगा वो यही वाला नंबर हो जाएगा, मतलब 28 हो जाएगा। तो बहुत आसान है विल्सन थ्योरम, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर कहीं पर एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर होगा वो यही वाला नंबर हो जाता है। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि 22 फैक्टोरियल लिखा हुआ है 22 और इसको 23 से डिवाइड करना है, तो फिर से आप यहां देख सकते हैं कि नीचे एक प्राइम नंबर है और यहां पर जो नंबर है उससे एक कम है। तो अगर ऐसा फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22, मतलब अगर फैक्टोरियल 22 को 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका 22 ही आएगा। अब यहां पर भी एग्जामिनर चाहे तो कुछ चेंजिंग कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहीं पर हम ऐसा बोल दें कि 3 इंटू
22 फैक्टोरियल, इसको अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम यहां पर वही रूल अप्लाई करेंगे जो पहले करते थे, जब एक से ज्यादा नंबर रहता है तो अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो अगर यहां पर हम अलग अलग डिवाइड करें तो पहले 3 को 23 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो 3 ही आएगा, ठीक है। अब जब 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है विल्सन थ्योरम पर है, तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, सीधा आपका 22 ही आ जाएगा। तो फाइनल मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 3 66 आ रहा है। लेकिन 66 मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो 23 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 23 से नीचे आएगा। इसका मतलब यह है कि 66 को एक बार और 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 23 से फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये 69 होता तो एग्जैक्ट डिवाइड करता, इसका मतलब रिमाइंडर आपका आएगा माइनस का 3, है ना। तो माइनस में आंसर हम लोग नहीं देते हैं, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड करते हैं उसी से इसको माइनस कर देते हैं। तो जो फाइनल आंसर होगा मेरा वो 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब इस नंबर को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 20 आएगा। अब यहां पर एक चीज और आप देख सकते थे, जैसे यहां पर 66 को 23 से डिवाइड किया तो माइनस का रिमाइंडर 3 लिए, आप यहां प्लस का रिमाइंडर भी ले सकते थे। तो प्लस का रिमाइंडर लेते तो डायरेक्ट आपका 20 आ जाता, कैसे देखिए। अगर यहां पर 69 में नहीं जाकर के दो बार में ही भाग लगाते तो 23 से अगर दो बार में करेंगे तो 46 आएगा, 46। तो यहां पर 46 अगर आएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता 20। तो हम उम्मीद करते हैं कि विल्सन थ्योरम और फर्मेट थ्योरम क्या है, उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप समझ